दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज शेयर करना चाह रहा हूं जो चीज मैंने खुद कभी अपनी लाइफ में सोची नहीं थी कभी ऐसा मेरे साथ हो सकता है। आपको क्या कभी ऐसा लगता है कि कोई रेप्यूटेड संस्थान हो, कोई कोचिंग हो और आपको अपने यहां जबरदस्ती वो पढ़ा सकता है? नहीं ना। अगर आप नहीं पढ़ना चाहेंगे, किसी और संस्थान को ज्वाइन करना चाहेंगे, क्या वो संस्थान आपको जबरदस्ती अपने यहाँ पढ़ा सकता है? वो भी तब जब उस संस्थान को क्वालिटी न देनी हो, फैसिलिटी न देनी हो, अच्छी फैकल्टी न देनी हो, क्या वो आपको पढ़ा सकता है? नहीं। क्या कोई स्कूल किसी बच्चे की टीसी को जबरदस्ती रोक करके अपने यहाँ उसे जबरदस्ती पढ़वा सकता है? वो भी तब जब वो क्वालिटी, फैसिलिटी, अच्छी फैकल्टी न दे रहा हो। तो बिल्कुल यही चीज वोडाफोन आइडिया यानी वी जिसे वो कहते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप सोच के देखें बच्चों कि क्या ऐसा होना चाहिए था कि एक कंपनी अपने किसी कस्टमर, किसी क्लाइंट को इस बेस पर रोकना चाहती हो कि वह उसका MNP कैंसिल कर दे रही हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी मतलब उसके क्या कह सकते हैं प्रोवाइडर होने का दावा करती हो या प्रोवाइडर बने रहने के लिए सारे जतन करती हो। गलत है। अगर कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर आपको छोड़ करके जाना चाहता है तो हक है उसका, वो जा सकता है। अगर वो आपकी सर्विस से खुश नहीं है तो उसे क्यों नहीं चले जाना चाहिए? लेकिन ऐसी घटना हुई जो सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि एक वोडाफोन आइडिया जैसी इतनी बड़ी कंपनी जो कभी नाम था भारत में, अभी तो मैं कहूंगा वो अस्तर इन्होंने खो दिया है और अपने कर्म से और भी खोते जा रहे हैं, बट कभी नाम था इनका कि हाँ एक ऐसी कंपनी जो रेप्यूटेड है, जिसका नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, मेरे जैसे लोग उसके कायल थे कि हाँ वोडाफोन का नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब से जियो आया, आप जानते हैं जियो ने सबको वास्तव में सबकी औकात दिखा दी। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। कभी मैं आज से 6-7 साल पहले वोडाफोन का स्पेशल कस्टमर हुआ करता था और आपको पता है 2000 रुपए का इनका पैकेज था मेरा और उसमें हमको 12 GB दिया करते थे बच्चों, 2000 रुपए में 12 GB। और कभी कभी वो जो बिल हुआ करती थी 2000 की, वो 3900, 4000, 3500 ऐसा आया करती थी और मुझसे कहते थे कि इनके जैसे सर्विस किसे के नहीं। लेकिन आप जानते हैं समय बदलता है बच्चों, समय जरूर बदलता है, ध्यान रखिएगा। तो समय बदला बच्चों, और समय ऐसा बदला कि जब जियो ने पदार्पण किया, मीन्स प्रवेश किया इस टेलीकॉम के क्षेत्र में, तो फिर धीरे धीरे उसने इस तरीके के स्कीम्स, इस तरीके की प्लानिंग्स की कि इन कंपनियों को वास्तव में इनकी औकात पता चल गई। ये कंपनियां समझ में इनको आ गया, कस्टमर्स को एक्चुअली समझ में, क्लाइंट्स को समझ में आ गया कि कंपनियां उन्हें लूट रही थी। आप सोचिए 2000 रुपए में 12 GB, 251 रुपए में 1 GB दिया करते थे। सोच देखिएगा बच्चों, 251 रुपए में 1 GB दिया करते थे। जब जियो आया उसने 149 रुपए में 1.5 GB, जहां तक मुझे याद है 149 रुपए में 1.5 GB देना शुरू कर दिया। और तब धीरे धीरे इन कंपनियों को लगा कि अब इनका जो बाजार है वो खिसक रहा है, इनके कस्टमर्स, इनके क्लाइंट्स इनसे दूर जा रहे हैं। तो फिर मजबूरी थी इनकी, मरता क्या न करता, और फिर इन्होंने भी अपने अपने जो रेट्स थे वो डाउन किए। यानी इसका मतलब ये है ना कि आप लूट रहे थे अपने कस्टमर्स को इससे पहले, यानी जियो के आने से पहले आप अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स को लूट रहे थे। और जब आपको लगा कि आप उसके सामने टिक नहीं पाएंगे तो आपको भी अपना कहीं कहीं रेट जो है डाउन करना पड़ा। इसका मतलब वो डाउन किया जा सकता था, लेकिन आप डाउन नहीं करते थे क्योंकि आप जानते थे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को कभी पता नहीं चलेगा और आप उन्हें लूटते ही रहेंगे। लेकिन वास्तव में वास्तविकता तो सबके सामने आनी थी बच्चों। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि धीरे धीरे इनका जो नेटवर्क था वो बिल्कुल डाउन होता गया। और आप इस समझिए कि अभी भी मैं इनका जो 399 की प्लानिंग है वो लिया हुआ, पोस्ट पेड कस्टमर में इनका रेगुलर पोस्ट पेड रहा हूं बच्चों, रेगुलर पोस्ट पेड में कस्टमर रहा, कई लाख रुपए मैंने वोडाफोन को बिल के रूप में दिए हैं। लेकिन जब इनका नेटवर्क डाउन हुआ तो कई बार मैंने, कम से कम 40-50 बार मैंने शिकायत की होगी कि नेटवर्क बहुत बेकार जा रहा है। आप ऐसे समझिए 60 GB मुझे मिलता था, उस 60 GB में से शायद 0.30 GB मेरा खर्च होता था। वजह पता है, क्योंकि जब भी मैं इनका नेट ऑन करता था वो चलता ही नहीं था,
तो मैंने जियो की सिम भी ली हुई थी, फिर मुझे वास्तव में जाकर 72-350-11-11-2 वाला जो नंबर मैंने जियो पे पोर्ट कराया था उस पे जाकर के मुझे नेट चलाना पड़ता था, और बाद में मैंने फिर ब्रॉडबैंड लगवा लिया, फिर उससे उसकी वजह से मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन आज भी जो वोडाफोन का नेटवर्क है बिल्कुल बेकार हो चुका है। तो मैंने सोचा कि ले आओ मैं इसे पोर्ट करा देता हूं। उसकी एक वजह हुई कि इन्होंने मेरी जो सर्विस थी कुछ दिन 16 या 13-14 जुलाई को शायद इन्होंने सस्पेंड कर दी, क्योंकि मैं बिल नहीं जमा कर पाया था। आप समझ सकते हैं इस समय थोड़ी सी क्रैश चल रही है, तो मैं बिल नहीं जमा कर पाया था। मैं मानता हूं मेरी गलती, मैं नहीं जमा कर पाया था। तो जब इन्होंने सस्पेंड कर दिया तो जो इनके यहाँ के आजमगढ़ में इनका स्टोर है मैं वहां गया, तो मुझे था कि आजमगढ़ में स्टोर इनका आलिशान हुआ करता तो वही होगा, लेकिन पूछने पर पता चला कि वो स्टोर वहां से हट करके सिधारी पे शायद चला गया। फिर मैं वहां गया, मैंने देखा छोटा सा स्टोर था, और मुझे वहां पे बहुत अधिक रिक्वेस्ट करनी पड़ी लोगों से कि आप किसी तरीके से मेरा नंबर जो है खुलवा दीजिए, क्योंकि उसी नंबर पे मेरा ओटीपी आता था ट्रांजैक्शन के लिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हो पाया और मेरा मन बहुत खिन्न हो गया। उसके बाद किसी तरह हुआ खुला, और फिर मैंने पैसा उनका जो बिल था पूरा वो जमा कर दिया, और फिर मेरा मन इतना टूट चुका था कि मैंने तय कर लिया कि अब मैं इस नंबर को हर हाल में प्रीपेड में बदलवा दूंगा या पोर्ट करा दूंगा। अंततः मैंने फैसला किया मैं पोर्ट करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहां से कि जब मैंने पोर्ट जो नंबर होता है पोर्ट कराने का वो मैंने मंगवा लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, जियो में मैंने अप्लाई कर दिया, बच्चा एक आया उसने सब कुछ कर दिया, और फिर मुझे उसने बताया कि 19 तारीख तक आपका नंबर ये जियो में पोर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद लगातार वोडाफोन से कॉल्स आने लगी बच्चों, लगातार मैंने बहुत सारी कॉल्स रिसीव। मैंने कहा भी कि हाँ ठीक है मैं पोर्ट करा रहा हूँ, मुझे अब इसमें नहीं रहना है। उनका क्या हुआ, मैंने कहा छोड़िए अब ये सब छोड़िए, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह थी, मैं अब इसमें नहीं करूंगा, मैं जियो में करा लूंगा। उसके बाद एक लड़की की कॉल आई वोडाफोन के नंबर से, उसने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे है, फिर उसने कहा कि आप देखिए आपका नंबर तब तक पोर्ट नहीं होगा जब तक आप एक मैसेज 1900 पर लिखकर नहीं भेजेंगे, और मेरी नादानी कही है, मैं उसकी बात को समझ नहीं पाया। तो उसने कहा कि आप एक मैसेज करिए कैंसल लिख करके, उसके आगे फिर अपना स्पेस दे करके अपना नंबर लिख करके, और फिर आप उस पर 1900 पे भेज दीजिए। मैंने उसे कई बार पूछा कि इससे मेरा पोर्ट कैंसिल नहीं हो जाएगा, उसने कहा नहीं नहीं एक्चुअली ये यहां पे आप कैंसल लिख करके भेजेंगे तभी आपका नंबर जियो पोर्ट होगा। आई बिलीव्ड हर, मैंने उस पर विश्वास किया और उसने मेरे विश्वास को धोखा दिया। फिर मैंने कुछ समय बाद कॉल किया, मैंने पूछा कब तक मेरा पोर्ट हो जाएगा, तो उस लड़के ने लड़का उठाया, उसने कहा कि 19 तारीख को 10:30 बजे तक आपका नंबर पोर्ट हो जाएगा, आप चिंता नहीं करिए। और फिर मैं आज 19 तारीख को 10:30 बजे यानी 10:32 मिनट पर देखा कि मेरा जो नंबर है अभी भी एक्टिवेट है। मैंने कॉल किया तो फिर पता चला कि आपका नंबर जो है वो कैंसिल करने के लिए आपने कहा था, यानी आपने पोर्टेबिलिटी जो थी वो आपने कैंसिल कर दी, तो कैसे आपके वोडाफोन से पोर्ट आउट करेंगे आप, सोच के देखिए। यानी अब मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ गए होंगे, यानी उसने कंपनी की उस एग्जीक्यूटिव ने मुझे बेवकूफ बनाया कि आप कैंसिल स्पेस अपना नंबर लिख करके 1900 भेजे, क्योंकि वो ये चाहती थी कि मैं ये पोर्टेबिलिटी मतलब पोर्ट आउट न करूं। भाई क्यों, क्या मैं अपनी कोचिंग में किसी को जबरदस्ती पढ़वा सकता हूँ, क्या आप अपने स्कूल में किसी को जबरदस्ती पढ़वा सकते हैं? और मैंने पहले शुरू में भी कहा अगर आप क्वालिटी फैसिलिटी और फैकल्टी अच्छी नहीं देंगे तो आप कब तक ऐसा करेंगे? तो मैं वोडाफोन के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, वोडाफोन इंडिया यानी वी, यानी आपका जो शॉर्ट फॉर्म है वह वी, वी मीन्स होता है हम, लेकिन आप काम करते हैं आई वाला, मैं वाला यानी स्वार्थ वाला, ऐसे ना बनिए, नहीं तो जो लोग हैं ना वो भी चले जाएंगे। अगर आप अच्छा नेटवर्क देते, अच्छी सर्विस देते, अच्छे तरीके से आपका बिहेवियर होता तो कौन आपको छोड़ के जाएगा? क्या जियो से मेरा कोई रिश्तेदारी है? नहीं, लेकिन चलेगा वही जिसकी गर्दन ऊंची होगी, तो अच्छा वही करेगा जो अच्छा करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद है कि आप वोडाफोन के अधिकारी जो हैं वो इस चीज़ को समझें, अगर इस बाजार में बने रहना है तो इस नीति के चलते आप नहीं बने रह सकते हैं। और जो कस्टमर्स हैं क्लाइंट्स, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप ये समझें कि आप कंपनियां जो हैं वो किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत दुख था मुझे इस चीज़ का, इसलिए मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मेरे मन में एक क्षोभ था, मीन्स कहेंगे एंगर था कि मैं इस चीज़ को बताऊं कि इतनी बड़ी कंपनी जो है
वो किस तरीके से किसी को बेवकूफ बना सकती है सिर्फ इसलिए कि कोई उनका कस्टमर, कोई क्लाइंट उनको छोड़ के ना चला जाए। अरे जिम्मेदार कौन था? आप ही थे ना।